आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज आपके एस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन 25 में 23 क्वेश्चन एग्जैक्ट 100 परसेंट रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं

इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी आप सभी के बीच में जो है वो आने वाले हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकलकर आ रहा है आज के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मकबरा जो है वो कहां पर स्थित है ये आप सभी को बताना है तो जो भी बिहार के स्टूडेंट है वो तो आंख बंद कर कर, मार कर आ गए होंगे सभी को पता है सासाराम के सासाराम में स्थित है बिहार में ठीक है ना डीरी के बाद पड़ता है आपका सासाराम वहां पर जो है वो शेर सासूरी का जो है वो मकबरा स्थित है अगला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया है उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा जो सीट है वो कितनी है ये आपसे पूछा गया है तो यूपी में जो लोकसभा टोटल सीट है वो कितनी है वो 80 है याद रखिएगा राज्यसभा के बारे में नहीं पूछा यहां पर लोकसभा के बारे में पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट कितनी है अस्सी और एक बात इससे याद आया ना आज रात को आठ बजे लोकसभा के ऊपर ही एक क्लास आपको मैं दूंगा जीके के ऊपर ये क्लास आप देख लेना क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये पूरा लिस्ट जो है ना मैं रात को आठ बजे आपको अप टू डेट जो है वो करवा दूंगा अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया यस बैंक जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चन तो एग्जाम में बनना ही बनना था क्योंकि आप सभी को पता है यस बैंक आज के डेट में ट्रेंडिंग बैंक बन चुका है चर्चा का विषय वाला बैंक बन चुका है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यस बैंक के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है तो नाम क्या है आपका प्रशांत कुमार ये आप याद रखिएगा एग्जाम में और हां ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है आपसे अगले शिफ्ट में पूछ दे यस बैंक का कहां पर है? या एस यस बैंक का है तो ये कम से कम आप सभी देख लेना हाथ मार रहा है अगला प्रश्न हमारे सामने है इंटरनेशनल ओजोन डे अंतरराष्ट्रीय ओजन, ओजन प्रत दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने पद्म पद्म पुरस्कार इससे एक क्वेश्चन था दो तो हजार उन्नीस में कुछ था नाम दिए गए होंगे आपको लेकिन मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पद्म पुरस्कार दो तो हजार उन्नीस में कितने लोगों को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो टोटल जो है 112 लोगों को जो है वो पद्म पुरस्कार दो तो हजार उन्नीस जो है वो दिया गया था अगला प्रश्न हमारे पूछा गया था कि रो, रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहां स्थित है हालांकि ऐसे तो रेल कोच फैक्ट्री बहुत जगह है हल्दिया में है चेन्नई में है इसके बाद चितरंजन में है बहुत जगह है लेकिन आपकी ऑप्शन में क्या था कपूरथल्ला ऑप्शन में था आज के एग्जाम में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज आए हुए थे मैं वही चीज करवा रहा हूं पूरा का पूरा पच्चीस क्वेश्चन में मुझे तेईस क्वेश्चन एग्जैक्ट मिला है ठीक है इसका पूरा पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है सौरभ गांगुली दादा सभी को पता है इतना अब बोलेंगे भैया क्वेश्चन हार्ड आ गया CGL गया गया सीजीएल के एग्जाम में चेयरमैन पूछा पूछा था यहां पर क्या प्रेसिडेंट अध्यक्ष तो सभी को पता है कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में न्यूज टीवी में सभी जगह चर्चा का विषय था सौरभ गांगुली को अध्यक्ष बनाया गया था बीसीसीआई का अगला प्रश्न हमारे सामने है सबसे बड़ी नद, नदियों की दीप कहां है यह आपको बताना वेयर इज लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड तो सभी को पता है मजोली आइसलैंड पॉपुलर क्वेश्चन है आपको सौ में से पचास मोक पेपर में टेस्ट में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यह सब क्वेश्चन क्या है पॉपुलर क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि फैले निम्नलिखित में से किसका एक लोकोमोटिव अंग है यह आपको बताना है तो पोटोजोआ और बैक्टीरिया का अगला प्रश्न हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय प्राणी की इकाई में आधार इकाई की संख्या क्या है यहां पर आप थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखना व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस बहुत जन बेसिक बोल रहा है बेसिक नहीं होता है बेस यूनिट व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो टोटल कितने होते होते हैं? हैं। सात एग्जैक्ट आंसर सेवन होगा आज के एग्जाम में जिन्होंने सात मारा है उनको तो एक नंबर कोई रोक नहीं सकता है अगला प्रश्न हमारे सामने है यहां पर पूछा गया था आप सभी के निम्नलिखित में से कौन सा शासक चोला वंश का है तो राजा राज चोला ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहां पर चंद्रयान के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहा है चंद्रयान टू तो एक क्लास तो रात को आठ बजे चंद्रयान के ऊपर तो बनता ही बनता है देखते हैं कल कल चंद्रयान के ऊपर एक क्लास आपको मिलेगा रात को आठ बजे स्टैटिक जीके में चंद्रयान टू का वजन कितना है ना ये आपसे पूछा गया है तो तेईस टू थ्री सेवन नाइन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन किलोग्राम ये जो है वो चंद्रयान टू का जो है वह वजन है आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछा गया चंद्रयान से तो चंद्रयान के ऊपर एक जी के पूरा विश्लेषण एनालिसिस तो क्लास तो बनता ही बनता है तो कल रात को आठ बजे चंद्रयान के ऊपर आज क्लास में कल मिलेगा और आज रात को आठ बजे एक लोकसभा के ऊपर स्पेशल क्लास मिलेगा ठीक है चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है ईईजी e -E से मैसर करते हैं इसका उपयोग कामकाज को मापने के लिए तो दिमाग को ब्रेन को ऑप्शन नंबर आपका कितना है ऑप्शन में आपका ब्रेन पक्का होगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट जिन्होंने ब्रेन मारा है उनका एक नंबर तो आज कंफर्म हो गया होगा अगला प्रश्न हमारे सामने है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको स्टैटिक जीके वाले छह क्लास करवाए हैं जो आपको उसका प्लेलिस्ट चैनल पर आते ही मिल जाएगा वहां पर सारे संगठन का कब स्टेब्लिश हुआ कहां पर हुआ किस डेट को हुआ कौन उसके हेड है उसका मुख्यालय कहां पर है ये सब मैंने एक क्लास में आप सभी को करवाया है कुछ दिन पहले एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो 11 दिसंबर 1946 को अगर एग्जाम में अगर ये पूछता आप सभी से इसका मुख्यालय कहां पर है तो आप क्या बोलते न्यूयॉर्क सिटी में है अमेरिका में अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप सभी क्लियर देख पाओ एक मिनट चलो क्वेश्चन आपका यह था आज के एग्जाम में भारतीय संविधान की छठवी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख किया गया है वहां पर यहां पर मैं आपको टोटल पूरा का पूरा लिस्ट दिखा दे रहा हूं आसाम मेघालय त्रिपुरा और आपका मिजोरम का जो जिक्र है वो किया गया है अब आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा कोई ठीक है ना चारों में से बाकी तीन अदर वो ऑप्शन होंगे जो नहीं है जिसका जिक्र जो है वो सिक्स शेड्यूल में नहीं किया गया है बाकी तीन ऑप्शन वो होंगे और एक ऑप्शन इस चार में से एक होगा तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आज का था अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सार्वती नदी पर कौन सा झरना स्थित है तो जोग जलप्रा सभी को पता है जोग वाटरफॉल्स अगला प्रश्न हमारे सामने है यहां पर क्वेश्चन पूछा गया एक क्वेश्चन जो तो थोड़ा बोल सकते हो अनकॉमन क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आज जो भी एग्जाम देने गए हैं उनके लिए बोल रहा हूं सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक ठोका जिसमें वनडे था यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था ना सचिन ने अपना पहला शतक किस वनडे में लगाया था तो उन्नीस में लगाया गया था उनका वनडे ये था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों चीज मैंने आपको बता दिया है सचिन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या वनडे में अपना पहला सेंचुरी जो है वो अपने सेवेंटी मैच में लगाए थे उन्नीस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठीक है ना अगला प्रश्न हमारे सामने है लेट्राइल मिट्टी में, में क्या जो होता है रीच होता है सबसे स्मृद्ध क्या होता है लेट्राइट सॉइल में तो आप बोलेंगे आयरन और अल्मोनियम आयरन और अल्मोनियम ये आपका आंसर होना चाहिए था आज के एग्जाम में अगला प्रश्न हमारे सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था और आई थिंक बहुत जन इस क्वेश्चन को स्किप कर कर आए होंगे 800 मीटर और 1500 मीटर मिलियन लिखा गया है यहां पर मिलियन टन लिखा गया है इसको आप थोड़ा काट देना दे रहा हूं 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा था उनका नाम क्या है जिनसन जॉनसन ये है उनका नाम जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है बहुत जन मैं बोल दे रहा हूं सौ में ना 100 में जो है वो कम से कम 70 लोगों ने इसका आंसर उनको पता नहीं होगा अब अंदाजा पर कोई मार दे सही हो जाए अलग बात है तो ये एक क्वेश्चन आपको अनकॉमन देखने को मिला था आज के एग्जाम में अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है चेस में तो बहुत ही क्वेश्चन है करवाया हुआ क्वेश्चन है आप बोलेंगे मुकेश डी गुकेश डी अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन करवाया गया था अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पानी में गुलंदशील विटामिन का नाम क्या है विटामिन सी एग्जाम में अगर विटामिन सी होगा तो आपने इस पर ही क्लिक किया होगा तो आपका आंसर पक्का सही होगा अगला प्रश्न हमारे सामने एक क्वेश्चन ये था ना जो इलोरा गुफाएं है ना जो इलोरा कैप्स है आपका महाराष्ट्र में वो किस धर्म से संबंधित है ये एग्जाम में आपसे पूछा था तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट आपके एग्जाम में देखो यहां पर मैंने बहुत छोटे में लिखा है क्वेश्चन ये था ना जो इलोरा कैप से या जो है वो किस धर्म से संबंधित था तो आप क्या बोलते हैं ये बोलते हैं आप बौद्ध बौद्ध धर्म से अगला क्वेश्चन हमारे सा, सामने था चोला काल के समय मंदिर क्या एक मंदिर बनाया गया था उसका नाम क्या है हालांकि चोला पीरियड के समय जो है वो बहुत सारा मंदिर बनाया गया बहुत सारा लेकिन आज के एग्जाम में जो आपका ऑप्शन था वो क्या था वो नाम दिया गया था आपका राजा राजेश्वर ये आपका ऑप्शन आज के एग्जाम में था ठीक है तो ये था आपका सही आंसर आज के एग्जाम में तो टोटल मैंने 25 में शायद 23 से 24 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट करवा दिया है जो आपके आज के एग्जाम में बना था इसका पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और शाम को छह बजे मैथ का पूरा सॉल्व करा दूंगा रात को आठ बजे आप सभी को स्टैटिक जीके में एक इंपॉर्टेंट क्लास और मिलने वाला ठीक है ना क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा जेन्युइन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं ताकि आप अच्छी स्कोर कर पाए एग्जाम में थोड़ा बेसिक आइडिया मिल पाए आप सभी को कि, कि किस पर काम करना है किस टॉपिक में कहां पर काम करना है हम सभी को ठीक है तो जिनका भी शिफ्ट आने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम बहुत अच्छे से आप सभी दीजिएगा